हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एकेडमी XYZ। आज मैं आपको PET एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। किसके? PET के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम वार्तालाप आपसे करेंगे। तो कि जो सबसे पहला जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन है, वह क्या है? सिंधु सभ्यता के हिस्से। देखिए, मैं जिस भी पॉइंट को अधिक से अधिक बार रिपीट करता हूँ, समझ लो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के एक हिस्से लोथर की खोज किसने की थी? किसकी? सिंधु सभ्यता के एक हिस्से लोथर की खोज किसने की थी? वह कौन थे? SR राव। कौन थे? SR राव ने सिंधु सभ्यता के हिस्से लोथर की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा काल का। क्या है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर, किसका? इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में बांटा गया है? वह हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा जो नगर है वह तीन हिस्सों में बांटा गया है? वह कौन सा है? धौला बीर वह हिस्सा है जो कि हड़प्पा काल का वह हिस्सा है जो कि तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या है? माउंट ऑफ द डेड। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो माउंट ऑफ द डेड होता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां, क्या घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में जो घोड़े हैं उनकी जो हड्डियाँ अस्थियाँ के जो कि अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले? सुरकोटकदा। यह है वहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ, किसके? घोड़े की अस्थियाँ के अवशेष मिले हैं। किसके? कहाँ के? सुरकोटकदा से। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई लोग इसे गलत भी कर देते हैं। निम्न में से उपवेद है भाई हमारा कौन सा है? योगवेद। भाई क्या नहीं है? उपवेद हमारा नहीं है, जो योगवेद है वो हमारा उपवेद नहीं है। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र देवता, ठीक है बात को समझना, इसमें दो पॉइंट बात हुई, वैदिक देवता एक और इंद्र देवता किस के देवता हैं, मतलब किसके देवता हैं? ये वैदिक देवता या इंद्र देवता वह किसके देवता हैं? तो वह वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। किसके? वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ठीक है, पंचगाव्य, क्या है? पंचगाव्य में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? किस में से? पंचगाव्य में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह क्या है? तुलसी इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको? तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसमें? पंचगाव्य में। ठीक है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? किसमें? किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, सॉरी था नहीं हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो वह किसमें? शतपथ ब्राह्मण में क्या हुआ था? इसका उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। किसका? शतपथ ब्राह्मण में जो कि है सर्वप्रथम उल्लेख इसमें हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वह वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? जो कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो क्या है, क्या कहलाते हैं जो प्रकरण है वह ब्राह्मण को वेदों का प्रकरण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद और सबसे प्राचीनतम वेद वह दोनों एक ही हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन या प्राचीनतम वेद वह हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है? वह हमारा ऋग्वेद है। ठीक है,
नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को सम्मिलित है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार कई एग्जाम में भी आ चुका है और पूछा गया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र किस देवता को सम्मिलित है? वह हमारे सावित्री देवता या सूर्य देवता। अगर एग्जाम में सावित्री देवता आता है, सावित्री देवता, सावित्री, ठीक है, सावित्री देवता अगर ऑप्शन में है तो आपको सावित्री देवता लगाना है, और अगर आपके ऑप्शन में सावित्री देवता नहीं दिया गया है, और अगर सूर्य देवता दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको सूर्य देवता को टिक करना है। क्या, अगर आपके ऑप्शन में, चार ऑप्शन में अगर आपको सूर्य देवता नहीं दिया गया, सिर्फ सावित्री देवता दिया गया है, तो आपको सिर्फ सावित्री देवता टिक करना है, और अगर सूर्य देवता है और अगर सावित्री देवता नहीं है तो आपको सूर्य देवता को टिक करना है, और अगर दोनों पूछे तो आपको सावित्री देवता को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रामायण में से, किसमें से, रामायण में से मांडवी किसकी पत्नी थी, मांडवी किसकी पत्नी थी? वह मांडवी जो कि हैं भरत जी की पत्नी थी, किसकी, भरत जी की पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, वह भरत जी की पत्नी थी, ठीक है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई, या फिर कितने दिनों तक लड़ी गई? वह 18 दिनों तक यह महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, ठीक है। बोध गया, ठीक है, बात सुनना, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, किसने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध क्या है, तीर्थ केंद्र है, ठीक है। बौद्ध को परिनिवारण, क्या, बौद्ध को परिनिवारण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिनिवारण प्राप्त हुआ था, क्या हुआ था, परिनिवारण प्राप्त हुआ था, किसको, बौद्ध को, बौद्ध को परिनिवारण कहां प्राप्त हुआ था, क्या, परिनिवारण कहां प्राप्त हुआ था, वह काशीनगर में, नहीं कुशीनगर, सॉरी कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, क्या, बुद्ध को परिनिवारण कहां प्राप्त हुआ था, है, बौद्ध को कहां प्राप्त, निवारण कहां प्राप्त हुआ था, वह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। बुद्ध ने क्या है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, वह सारनाथ में दिया था, कहां, बुद्ध ने अपना पहला उपनिवेश कहाँ दिया था, वह सारनाथ में दिया था, कहाँ दिया था, वह अपने सारनाथ में दिया था, हाँ, ये सारनाथ में दिया था। भारत में स्थित किसमें, भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर कहा जाता है, भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर कहा जाता है, वह, ये तो सभी को पता होगा कि भारत में किस शहर को सबसे पुराना शहर कहा जाता है, वह हमारा वाराणसी है, कहाँ है, वाराणसी है, ठीक है। पहले जैन तीर्थ क्या है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे, वह ऋषभदेव थे, कौन थे हमारे पहले तीर्थकर जो कि थे, वह ऋषभदेव थे, कौन, जैन तीर्थकर जो कि सबसे पहले थे, वह हमारे ऋषभदेव थे। अशोक के कौन से शिलालेख, मेरी बात सुनना, अशोक के कौन से शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, अशोक के कौन से शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, वह 13वें शिलालेख क्या है, जो 13वां शिलालेख है, वह अशोक के शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, किसकी, शिलालेख कलिंग पर, किसकी, कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, वह कौन सा है, कौन सा है, 13वें शिलालेख में, ठीक है। कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन क्या है, पूर्व हर्षवर्धन कहाँ, कहाँ का शासन था, कहाँ, कहाँ, हाँ, कन्नौज से पूर्व, मतलब कन्नौज से पहले
कन्नौज के पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, मतलब कहाँ पर शासन करते थे। हर्षवर्धन जो हैं कन्नौज से पहले कहाँ पर शासन करते थे, वह थानेश्वर में अपना शासन करते थे। कहाँ करते थे, थानेश्वर में वह अपना शासन करते थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, वह तोमर वंश का था शासन। किसका, तोमर वंश का शासक था। ठीक है, हम एक बार और आप लोगों को रिपीट करा देते हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप मेरे साथ इनको बोलते जाइए जिससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो और बहुत जल्दी से जल्दी आपको याद होते जाए। ठीक है, हमारे पास है सिंधु सभ्यता के हिस्से, किसके, सिंधु सभ्यता के हिस्से लोथर की खोज किसने की थी, लोथर की खोज किसने की थी, वह एस आर राव ने की थी। किसने, एस आर राव ने किसकी, लोथर की हिस्सों सॉरी किसकी, सिंधु सभ्यता के हिस्से, सिंधु सभ्यता के हिस्से लोथर की खोज की थी। किसने, एस आर राव ने की थी। हड़प्पा काल में, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में बांटा गया है, वह कौन सा है, धौलावीर, धौलावीर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, वह माउंट ऑफ द डेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष हैं वह हमें सुरकोटकदा में मिले। किसमें, सुरकोटकदा में मिले। कौन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, वह योगवेद, वह उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र देवता किस देवता हैं, मतलब किसके देवता हैं, वैदिक देवता इंद्र देवता किसके देवता हैं, वह वर्ष व चक्रवात के देवता हैं। ठीक है, पंचगाव्य में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, वह सतपथ ब्राह्मण में। किसमें, सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। वेद के गद्य प्रकरण प्राप्त सॉरी वेद के गद्य प्रकरण क्या कहलाता है, जो कि वेद के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो वह ब्राह्मण है। किसको, ब्राह्मण को वेद गद्य के प्रकरण कहलाते, क्या कहलाता है, वेद ब्राह्मण। ठीक है, वेद के गद्य प्रकरण को क्या कहलाता है, जो कि ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा वेद है, सबसे प्राचीन वेद वह हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है, वह हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में से निहित गायत्री मंत्र किस देवता को सम्मिलित है, वह हमारे किसको, सूर्य देवता या सावित्री देवता को क्या है, समर्पित है। ठीक है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो वह भरत जी की पत्नी थी। ठीक है, महाभारत में वर्णित जो कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई वह कितने दिनों तक लड़ी गई, वह 18 दिनों तक लड़ी गई। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि वहां पर किसने, गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, वह कुशीनगर में इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। ठीक है, भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर कहा गया, तो वह वाराणसी को सबसे पुराना शहर कहा गया। पहले जैन तीर्थ जो थे, तीर्थकर कौन थे, वह ऋषभ देव सबसे पुराने और सबसे पहले सॉरी पुराने के नहीं सबसे पहले तीर्थकर थे। ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख कराता है, जो कि 13वें शिलालेख, क्या है, 13वें शिलालेख में। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे या कहाँ पर शासक करते थे, वह थानेश्वर में वह शासन करते थे। कहाँ पर, थानेश्वर में शासन करते थे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, वह तोमर वंश का शासन था। किसका था, तोमर वंश का
शासन था। देखिए हमने जितने भी आपके पीईटी में हैं, पीईटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आपके बीच रखे हुए हैं, और भी जो क्वेश्चन है वो आपको पीईटी के जितने भी सारे सेट पेपर हैं वो पूरे हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। बस आपको याद करना है, आपको पूरा सेट पेपर लगाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, याद करना है, सेट पेपर लगाना है। अब से आपको मेरी वीडियो मिलती ही कंटिन्यू मिलती रहेगी, आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग यू।